हेलो होम ड्रीमर्स, वेलकम बैक टू चिल्लर होम्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं सेक्टर 19 सी शो अपार्टमेंट और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको डीडीए के पार्क यहाँ पर दो मिल जाते हैं और आपके फ्लैट से पार्क का व्यू रहने वाला है। और ये पार्क बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पार्क है। आप देख सकते हैं कि पूरा पार्क जो है बहुत ही सुंदर है और बिल्कुल आपके सामने आपको यहाँ पर ओमेक्स का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो मतलब आप अपने घर से ही मजा ले सकते हैं फुटबॉल स्टेडियम का। बिल्कुल आपके सामने आपको भारत वन्ना पार्क भी देखने को मिलता है और यहीं पर आपका ओमेक्स मोलार है, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट 37 लाख से शुरू हो जाती है और जहां पर आपको रेंटल इनकम भी बहुत अच्छा मिलता है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट हैं जो कि सेक्टर 19 को बहुत ज़्यादा खास बनाती हैं। और आज हम आपके लिए ऐसा ही बिल्कुल धमाकेदार 4 BHK 3 बाथ बड़े साइज का फ्लैट लेकर आए हैं। तो दिखाते हैं आपको ये पार्क फेसिंग बड़े साइज का धूप वाला फ्लैट। ये हमें कॉरिडोर मिल जाता है, आपको 2 लिफ्ट मिल जाती हैं और आपको उस तरफ भी स्टेयरकेस मिल जाते हैं, यहाँ पर भी स्टेयरकेस मिल जाते हैं। प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेटेड आपका फ्लैट रहने वाला है। बिल्कुल पीछे आपका डीडीए का पार्क रहने वाला है। आपके फ्लैट से बहुत ही ज्यादा जबरदस्त व्यू आपको मिलता है और फ्लैट का साइज देखकर तो आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। तो ये हमारे फ्लैट की मेन एंट्री रहने वाली है। तो मेन एंट्री को आप यहाँ से भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस दीवार को यहाँ से निकलवा कर आप जो है यहाँ पर भी अपनी मेन एंट्री ले सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके पास ऑप्शन है, आप प्लान कर सकते हैं। बाकी अभी यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर ये स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, तो आप इसे निकलवा कर और आप जो है यहाँ पर भी एंट्री अपनी ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपका कितने बड़े साइज का यहाँ पर 4 BHK 3 बाथ का ये फ्लैट रहने वाला है। बहुत ही इतना अच्छा ये फ्लैट है। धूप है इसमें सुबह की पहली किरण से लेकर और आपकी 1 बजे तक की आपको धूप फ्लैट के अंदर मिलती है। और आप साइज देख सकते हैं कि बहुत ही बड़े साइज का आपको यहाँ पर एंट्री करते ही ड्राइंग डाइनिंग मिल जाता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आपका ड्राइंग रूम रहने वाला है और यहाँ पर आपका ये डाइनिंग एरिया रहने वाला है। तो आप बिल्कुल अपनी सोफा सीटिंग यहाँ पर कर सकते हैं और आपका LED पैनल यहाँ पर प्लान हो जाएगा। फ्लैट के अंदर आपको काम कराना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कराना चाहते हैं तो केवल आप इसके दरवाजे खिड़कियाँ अगर चेंज करवा देते हैं तो भी आपका फ्लैट ये मुंह से बोलेगा, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है और आपका फ्लैट जो है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड है, बड़ा साइज है। सोसाइटी बहुत ज़्यादा मेंटेन है। फ्लैट आते ही यहाँ पर फ्लैट बचते नहीं है, निकल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये ड्राइंग रूम है। आपके ड्राइंग रूम को वेंटिलेशन यहाँ इन विंडोज से मिलते हैं जिन्हें आप खोल सकते हैं और जहाँ से आपका व्यू बिल्कुल आपके पीछे वाले डीडीए के पार्क का रहेगा। साथ में सोसाइटी का पार्क भी नीचे है और एक और पार्क है फ्रंट में ही। तो इस तरह से आपका ये मतलब बड़ा आपका डीडीए का पार्क पीछे तक आपको ये मिल जाता है और इसके साथ में ही एक और पार्क भी आपको मिल जाता है। गोल्फ कोर्स अभी बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ से गोल्फ कोर्स आपका वॉकिंग डिस्टेंस पर रहता है। तो अगर आप मतलब कुछ गोल्फ कोर्स के पास में कोई घर देख रहे हैं, बड़ा घर देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ किचन। तो ये देखिए, यहाँ पर ये आपकी किचन रहने वाली है। किचन का साइज जो है वो अच्छा साइज है। बाकी अगर आप चाहें तो किचन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि किचन के साथ आपको बालकनी मिलती है। तो आप इन दीवारों को हटाकर पीछे तक ले सकते हैं, यू शेप का आप किचन बना सकते हैं। अगर आप किचन यूँ का यूँ रखना चाहें तो आप ऐसे का ऐसे भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको बालकनी मिलती है, जिससे आपकी सोसाइटी के पार्क का व्यू और साथ में आपको डीडीए के इस बड़े वाले पार्क का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का व्यू आपको यहाँ से मिलता है। तो फ्लैट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वेंटिलेटेड है। तो पहली बालकनी मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके फ्लैट का पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, फिर आपका एक बेडरूम आपको मिल जाता है। एक बेडरूम आपको यहाँ पर ये मिल जाता है, बड़ी बालकोनी और 2 बेडरूम यहाँ पर रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं आपका कॉमन वॉशरूम। तो ये देखिए, यहाँ पर आपका ये इतने बड़े साइज का आपका कॉमन वॉशरूम रहने वाला है, जिसका एक्सेस आपका आपके दूसरे बेडरूम से भी है और यहाँ पर आपका एक और बेडरूम आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, जहाँ से आपको वेंटिलेशन सामने विंडो से मिलती है और अलमीरा आपकी जो है बाहर है, लेकिन फिर भी रूम का साइज जो है वो अच्छा खासा बड़ा है। मतलब आपका जो है प्रॉपर बेड लगने के बाद यहाँ पर आपसे इस तरफ आपको पूरा स्पेस मिल जाता है अलमीरा खोलने का, क्योंकि बेड तो आपका इतने एरिया में ही आ जाता है। अगर आप दीवार से लगाते हैं, अगर बीचों बीच लगाएंगे तभी भी आपका जो है काफ़ी सारा स्पेस यहाँ पर बच जाएगा। तो आपके इस रूम का साइज़ आपका लगभग आपका जो ये वाला रूम साइज़ है, ये आपका 13.5 फिट के आसपास की इसकी यूं इस तरह से हम कहें तो लंबाई है और चौड़ाई आपकी ये 12 फिट के आसपास की रहने वाली है। इसके बाद के जो आपके कमरे हैं वो सारे और भी ज़्यादा बड़े साइज के आपको मिलते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ आपका सेकंड बेडरूम। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका सेकंड बेडरूम रहने वाला है। इस वाले रूम का जो साइज़ है वो आपका 13 बाई 12 के आसपास का आपका रूम साइज वो भी रहने वाला है और आपका एक्सेस सामने वॉशरूम से मिलता है। बड़ी आपको यहाँ पर अलमीरा का स्पेस मिल जाता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी बड़ी बालकोनी। तो ये देखिए यहाँ पर आपकी ये बड़ी वाली बालकोनी रहने वाली है। तो इतने बड़े साइज की आपको यहाँ पर बालकोनी मिल जाती है। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप एक दरवाजा निकलवा सकते हैं अगर आप चाहें तो, और आप अपनी बालकोनी के अंदर इस रूम का एक्सेस भी ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये सुंदर सा यहाँ पर आपको ये पार्क मिल जाता है। तो बताइए कि आपका जो ये पार्क है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपका पार्क है। बिल्कुल सामने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। तो आप अपना क्रिकेट के मैच आप जो हैं, अगर आप जो दूसरे जितने भी फुटबॉल मैच जो हैं आप यहीं से बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही लग्जरी मॉल आएगा तो आपको जो है जगमगाहट आपको आपकी आंखों को यहाँ से देखने को मिलेगी कि मतलब आप जो है पूरा दिन यहाँ पर इस ग्रीनरी को एंजॉय करेंगे और उसके बाद रात को आप जो है चमचमाता हुआ मॉल आपको देखने को मिलेगा। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ आपके बचे हुए दोनों बेडरूम। तो यहाँ पर चलते हैं आपके थर्ड बेडरूम में। तो ये देखिए यहाँ पर आपका ये बड़े साइज का आपका थर्ड बेडरूम आ जाता है। अटैच वॉशरूम के साथ आपको ये बेडरूम मिलता है जिसकी बालकोनी भी पार्क फेसिंग बालकोनी है। और आपका इस बेडरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो ये जो आपका बेडरूम है ये बहुत बिल्कुल आराम से आपका जो है 15 फिट के आसपास इसकी इस तरह से लंबाई है। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 14 फिट के आसपास की आपकी इस बेडरूम की मतलब जो है चौड़ाई रहने वाली। तो बड़े साइज़ का फ्लैट ये आपका बेडरूम है। इसके साथ अटैच आपको बालकोनी मिल जाती है जहाँ से आपका व्यू पार्क का रहने वाला है। तो मतलब कोई भी घर में ये नहीं कहेगा कि हमें जो है पार्क फेसिंग वाला फ्लैट नहीं दिया, ये मतलब रूम नहीं दिया और सारी ग्रीनरी तो आप लोग एंजॉय करें। नहीं, यहाँ के हर बेडरूम से आपको डीडीए के इस लेविश ग्रीन इतने खूबसूरत मेंटेन पार्क का आपको यहाँ पर व्यू मिलता है। और आप देख सकते हैं कि सामने आपका वॉशरूम है, यहाँ पर आपकी अलमीरा का आपको स्पेस मिल जाता है। तो अब हम चलते हैं फोर्थ बेडरूम में। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका फोर्थ बेडरूम रहने वाला है जिसका साइज भी बहुत अच्छा रहने वाला है। लगभग आपका ये वाला बेडरूम भी आपका जो है 15 फिट के आसपास इसकी इस तरह से लंबाई है। और इस तरह से अगर हम चौड़ाई की बात करें तो जो ये चौड़ाई है आपकी ये 13.5 फिट के आसपास की रहने वाली है। तो अच्छे खासे बड़े बड़े आपको यहाँ पर बेडरूम मिल जाते हैं। और सामने आपका जो है अलमीरा का स्पेस है। अगर आप कुछ ड्रेसिंग टेबल वगैरह प्लान करना चाहें तो इस वाली दीवार के ऊपर आप करके तो आप उस तरह से भी कुछ प्लान कर सकते हैं जब इंटीरियर की टीम आएगी तो बिल्कुल। और यहाँ पर आपको ये वाला अटैच वॉशरूम एक मिल जाता है। तो ये जो आपका फ्लैट है 4 BHK 3 बाथ का फ्लैट है। और यहाँ पर आपको एक और अटैच बालकोनी इस वाले रूम के साथ भी मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके 2 बेडरूम हैं जिसमें से एक बेडरूम के अंदर आप बालकोनी ले सकती हैं, बड़ी वाली बालकोनी, और 2 रूम के साथ आपको अटैच प्लस आपको किचन के साथ अटैच बालकोनी मिलती है। तो यहाँ पर जो है आपको टोटल फ्लैट के अंदर 4 बालकोनियाँ मिल जाती हैं। सारी ही डीडीए के पार्क फेसिंग मिल जाती हैं। साड़ियों में आपको धूप मिल जाती है। जो आपकी बालकोनी मॉर्निंग की आपको धूप है और साउथ की वजह से आपको जो है 1-1.5 बजे तक यहाँ पर धूप मिलती है फ्लैट के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि सर्दियों की धूप आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आपका जो इस फ्लैट का व्यू, इस फ्लैट की ब्यूटी, इस फ्लैट का साइज टक्कर देता है। लोकेशन बहुत अच्छी है तो बिल्कुल आप इस फ्लैट के लिए क्वेरी कर सकते हैं। इस फ्लैट की डिमांड है 3.45 करोड़ रुपए। प्राइस आपका नेगोशिएबल है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, चैनल पर बनी रहें। चिलर होम्स की पूरी टीम आपके साथ है आपको हैसल फ्री वे से घर देने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए।